मेरी वजह से कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स। ये क्या कर दिया? Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो guys, last vlog में आप देखा होगा हम गांव जाने वाले थे और पैकिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी, तो ये मेरे सारे के सारे बैग रेडी हैं, लेकिन फिर भी हम गांव नहीं गए बिकॉज एक्चुअली कल रात को हमारे पास में इनविटेशन आया सीएम ऑफिस से, सीएम ऑफ उत्तराखंड, तो उन्होंने इनवाइट किया है मिलने के लिए। यार अब ऐसी अपॉर्चुनिटी थोड़ा छोड़ सकते हैं हम, तो हाँ अभी फिलहाल रेडी हो चुके हैं, थोड़ी देर में निकलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। मैं तो मतलब काफ़ी एक्साइटेड हूँ, तो बस यही रीज़न है कि आज हम गांव नहीं गए। पैकिंग तो ऐसे कंप्लीट है, हमारे सारे बैग वैग पैक है, तो हम कल निकल लेंगे। आज सीएम सर से मिलने जा रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप लोग ही वैसे पॉसिबल हो पाया है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, आज हमको सीएम ने बुलाया, तो हाँ देखते हैं क्या क्या होता है। मैं उनसे काफ़ी बातें करूँगा, काफ़ी टूरिज़्म के बारे में बेसिकली, उत्तराखंड टूरिज़्म, क्योंकि हमको और आगे लेके जाना है और उत्तराखंड के लिए हमको बहुत कुछ करना है, तो उसके बारे में बात करनी है। तो हाँ मज़ा आने वाला है। तो पीयूष जाएगा, मैं जाऊँगा, मम्मी पापा भी जाएंगे साथ में। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, कढ़ी चावल और मिक्स वेज खाते हैं और चलते हैं बाहर। तो अम्मा जी भी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। अम्मा जी आज सीएम से मिलने जा रहा हूँ, पता है। तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है, फिलहाल धूप में बैठे हैं यहीं पे, अम्मा भी मम्मी भी। तो मम्मी जी यहाँ पे साड़ी पे फॉल लगा रही हैं। अरे वाह, ये देखो ये पानी लेके आ रहा है और नहाने के लिए साबुन वगैरह लेके आ रहा है, यहीं नहाएगा। कोई वीडियो बना देगा तेरी? नहीं कोई नहीं बनाएगा, मैं ही बना रहा हूँ वैसे तो। ये कर रहा है, ज्यादा गर्म है क्या? ओ भाई बहुत गर्म है, आप नहीं ला रहे हो क्या? ठंडा हो गया, मैंने कान कुन धो दी सी बहुत है। अरे ये कान कुन साफ कर दूंगी, ठीक तो कह रही हूँ, पीठ साफ कर दूंगी। तो पीयूष का सही है, मस्त यहाँ पे पानी ले आए, सही धूप में नहाएगा। भाई कितना पतला सा है ये, इतना पतला सा है, लगा दिया तो साबुन, सिंगल हड्डी भी नहीं है ये तो। पानी मत फेंक, मार खाएगा। देख लो गाइस पीयूष जोशी एक्सपोज, मम्मी से नहलवाता है। अरे कपड़ों में छींटे पड़ रहे हैं, कान 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 रगड़, कान रगड़, बस कान रगड़ रगड़ लूंगा यार, बाद में करना, कान कान अभी नहीं करते, फिर झड़ लगती है, पागल है, इसी साबुन से करते हैं ऐसे। बचाओ बचाओ, मैं अंदर ही मुड़ा, मैंने कहा कमी सीख ले, पाव तौलिया दे दो, लो लो, ना इसने पीठ साफ करी ना इसने पेट साफ करा, कुछ क्या करूं, कर नहीं देता वो, खाली सिर में धो दिया बस हो गया। यार तू ऐसे अच्छा लग रहा है, नंगू पंगू ऐसे ही रहा कर, ज़ूम कर, तभी गाइस सभी के सभी रेडी हो चुके हैं, पीयूष भी, मैं भी, मैंने फॉर्मल डाल लिया हाई नेक, और मम्मी भी रेडी हो चुकी है, तो फिलहाल निकलते हैं अभी। हाँ सही लग रहे हो, हाँ मैं जब भी फॉर्मल डालता हूँ इतना अजीब सा लगता है, अब भी अजीब सा ही लग रहा है। यहाँ से हमको जाना है खटीमा, जो कि यहाँ से एक डेढ़ घंटे का रास्ता है, वहीं पे है सीएम सर घर, तो वहीं जाके मिलेंगे उनसे। भाई मतलब कभी सोचा नहीं था कि मैं वीडियो में ऐसा बोलूंगा कि मैं उत्तराखंड के सीएम से मिलने जा रहा हूँ, और पर्सनल मीटिंग है, ऐसा नहीं कि कोई वैसे बुला रहे, पर्सनल मीटिंग है भाई, तो काफ़ी मतलब प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी, कि ये दिन हमको देखने को मिल रहा है। और गाइस हमारे साथ में जा रही है मानसी जी, मानसी को तो आप जानते होंगे, पहले एक बार ब्लॉग में देखा होगा। साहिल और पीयूष आगे बैठ रहे हैं, मैं इधर, बाकी सब पीछे, बस मानसी जी आएंगे वो पीछे बैठ जाएगी, और फिर हम चलेंगे सीधा सीएम सर से मिलने। मानसी जी आ चुके हैं, यहाँ से रास्ता कहाँ से है जाने का? तो भी गाइस हम पहुंच चुके हैं धानी रिसोर्ट, तो यहीं पे मीटिंग हमारी, चलते हैं अंदर, यहीं जाना है ना जी? चलो चलो। तो अभी हमको पता चला कि हम यहाँ से कहीं और जाएंगे उनसे मिलने के लिए, वो यहाँ नहीं आ रहे। और गाइस हमको यहाँ पे एक प्यारी सी बिल्ली भी मिली है, इसकी आंखें बंद पता नहीं क्यों है, तो बस मम्मी और मेरे पास में आके बैठ गई है, कितनी प्यारी लग रही है। हाँ गाड़ी में डाल के ले जाते हैं, ओरियो के साथ में हो जाएगा सही, बिल्ली और ओरी, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं हो रहे ना। तो भी गाइस पता चला कि वो यहाँ पे नहीं आ रहे, वो किसी को भेजेंगे और फिर हम उनके थ्रू जाएंगे कहीं और। तो भी हम घूमते फिरते यहाँ पे आ गए समोसे खाने के लिए, भाई ठंडे समोसे खा रहे हैं हम, इतनी भूख लग रही है ना, वो तो मस्त रहा, एक और दे दो। हाँ ले भाई, पीयूष भी आ गया, अब चलते हैं वापस अंदर, चलो चलो चलो, देख के गाड़ी। मम्मी पापा के लिए भी हमने चाय और पकौड़े वगैरह अंदर ऑर्डर कर लिए हैं, हम तो बाहर आए खाने के लिए, हम समोसे खा रहे। तो मम्मी पापा तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं और चाय वगैरह। चलो फिलहाल गाइस पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं अंदर और सीएम सर का वेट करते हैं, यहीं पे आएंगे वो। कैसे लग रहा हूँ, सही लग रहा हूँ? नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा क्या? ऐसे मत बोलिए, थोड़ी लिपस्टिक लगा लो फिर सही लगोगे। तो फाइनली गाइस सीएम सर से मिलके हम आ चुके हैं, मतलब वो सिर्फ मेरे लिए रुके हुए थे वहाँ पे,
और थोड़ी देर उनसे बातचीत की। मैंने उनको बताया कि मैं उत्तराखंड के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, मेरा फ्यूचर प्लान्स क्या है। उन्होंने कहा देहरादून आओ फिर बात करते हैं अच्छे से। तो हाँ, काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ी देर मिले, 10-15 मिनट उनसे बात हुई। थैंक यू गाइस, सिर्फ आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो अभी फिलहाल इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना उनसे मिलके, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने मस्त गूज बम्स से आ रहे हैं। तो हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है कि यूट्यूबर को भी मतलब सरकार का सपोर्ट मिल रहा है और आगे और भी मिलेगा हमको। तो हमारे प्लान है, हमारे प्लान है उत्तराखंड या फिर पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। चलो फिलहाल चलते हैं अंदर, अब भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। तो मुझे कैसा लगा सीएम सर से मिलके? बहुत मजा आया भाई, कभी सोचा नहीं था कि हम सीएम सर से मिलवाएंगे। तेरी वजह से? अरे मेरी वजह से नहीं, आपके आशीर्वाद की वजह से। आप जो भी है, मेरी वजह से कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स। ये क्या कर दिया, ये क्या था भाई? पीयूष बच गया, पीयूष के ऊपर, पीयूष एकदम साइड हो गया। पार कर लो भी टाइम से, उधर से गया था। ये हुआ कैसे? आप भी बच गए, आपके हाथ में भी लग गया। अरे यार चलो कोई बात नहीं यार, फिर भी बहुत बच गया। हाथ में खून आ रहा है, खून आ रहा है आपके हाथ में। तो भी गाइस एक सडनली एक्सीडेंट होते होते बच गया, पीयूष बच गया। यहाँ पे ना एकदम से ये शीशा देखो पूरा टूट चुका है। पीयूष एकदम से यहाँ से निकल के आया। ये लग गई भाई के भी लगी। कहाँ लगी है, खरोच आई है। मतलब कांच ऐसे गिरा, ये इधर था, लेकिन मानसी जी के हाथ में लग चुकी है, पूरा खून ही खून हो गया हाथ में। अभी हम इतना खुश थे सीएम सर से मिल के आए, और अभी सडनली कुछ हो जाता, एकदम से डर लगा ना जब गिरा। तो क्या खाओगे? रोटी मंगा ले बेटा, सब्जी मंगा ले। रोटी सब्जी, रोटी सब्जी दाल मंगाओ। रोटी सब्जी दाल, तू क्या खाएगा? रोटी सब्जी दाल। आप तो स्टार्ट करो। मैं तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है, थोड़ा बहुत मैंने भी खा लिया, अब चलते हैं सीधा घर। लेकिन फिर भी अभी तक मुझे धक धक हो रहा है, पता पीयूष के बारे में, पीयूष को सोच के मतलब। तो फिलहाल चलते हैं घर पे। थैंक यू सो मच सर। तो भी गाइस 8 बज चुके हैं, तो यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, 10 बजे तक हम घर पहुँचेंगे। और कल हमको गाँव के लिए भी निकलना है सुबह सुबह 6-7 बजे। मम्मी बहुत खुश है, और उससे फिर मैं खुश हूँ, और पापा जी भी बहुत खुश हैं, सभी बहुत खुश हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू मानसी जी जो कि हमें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। चलो फॉर्च्यूनर उठाते हैं और चलते हैं। तेरा एक फूल की तरह शादाब है। तो फाइनली हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, आज गाड़ी वहां पार्क करनी पड़ी, बिकॉज लेट हो गया ना, तो सबने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, तो आज जगह नहीं मिली तो यहाँ करनी पड़ी। अब चलते हैं सीधा घर। भाई रात को कितना मस्त लग रहा है सोसाइटी में। ओ अम्मा, फाइनली हम मिल के आ चुके हैं। मम्मी जी और पीयूष काफी थक गए हैं, आते एकदम लेट गए। मेरे से ज्यादा ना मम्मी पापा की खुशी है कि मम्मी पापा को मिलवा दिया मैंने सीएम से, तो मतलब ये सोच के काफी अच्छा लग रहा है मुझे सबसे ज्यादा। सीएम ऑफिस के बाहर इतनी भीड़ लगी थी ना, हम इतनी मुश्किल से अंदर घुसे हैं, सब्सक्राइबर ने घेर लिया हमको, पर्सनली उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, हमसे मिले, बातचीत की थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं करी बिकॉज उनके पास ज्यादा टाइम भी नहीं होता। मतलब सपोर्ट है मेरे पास, सबसे मेन बात तो मेरे पास सरकार का सपोर्ट है। अब तो भी गाइस रात के 11 बज चुके हैं, फिलहाल अब मैं सोऊंगा बिकॉज सुबह हमको निकलना है गांव के लिए, पैकिंग वगैरह तो हो रखी है। तो हाँ, आज का दिन मेरे लिए काफी बड़ा था बिकॉज सीएम सर से मिला, उनको भी काफी अच्छा लगा कि मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हाँ, उसके लिए उन्होंने मुझे एक टोपी भी पहनाई, पहाड़ी टोपी, जो कि आपने देखा होगा। तो बस फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी मम्मी पापा काफी खुश हैं क्योंकि काफी बड़ा अचीवमेंट है यार हमारे लिए, और आप लोगों के लिए भी थैंक यू सो मच, आप लोगों से पॉसिबल हो पाया। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। भैया यार कैसे चलो इनको चढ़ा लेना, राइट में ले सौरभ भैया। हटो भैया, हट हटो।